देखो हम लोग अब तक क्या पढ़े जीएसटी में, हम लोग अब तक पढ़े सर कि जीएसटी का मीनिंग क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है सर। हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात पढ़े कि इनपुट जीएसटी कितने टाइप का होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर जीएसटी आपका स्टेट वाइज हो सकता है, स्टेट टू स्टेट सेल में जिसमें सीजीएसटी और एलजीएसटी लगते हैं। उसके अलावा सर हम लोग पढ़े यूनियन वाइज लग सकते हैं और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लग सकते हैं। फिर हम लोग हल्का फुल्का डिस्कशन किए थे इनपुट और आउटपुट का कहानी के बारे में। उसके अलावा हम लोग थ्योरिटिकली एक काम का बात और पढ़े, रेट ऑफ जीएसटी। उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो था प्रैक्टिकली काम का बात, रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। आज बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का बात होने जा रहा है जो थ्योरिटिकली भी काम का और प्रैक्टिकली भी बहुत काम का। एक है कंपोजिट स्कीम। बेटा हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े कि सर जीएसटी कब कब लेना पड़ता है जमा और डिटेलिंग कब कब फाइल करनी पड़ती है, जनरली हर अगले महीने में। पहले दोनों क्लास में हम लोग ये बात डिस्कस किए कि अगले महीने में अगर जनवरी में सेल किए तो आप फरवरी में उसका जीएसटी जमा करो, डिटेलिंग जमा करो। वैसे फरवरी में सेल किए तो मार्च में डिटेल दो गवर्नमेंट को और जीएसटी जमा करो अमाउंट, अगर पेएबल आ रहा है तो ये वन हो या थ्री बी, ये हम लोगों को नेक्स्ट मंथ में फाइल करना पड़ता है। बट गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया कंपोजिट स्कीम। अच्छा हम लोग एक बात और पढ़े सर कि सर जीएसटी का रेट अलग अलग है, 0, 5, 12, 18, 28 नॉर्मली, तो ये भी एक पंगा है सर। दो पंगे थे, एक अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट और ये इनपुट आउटपुट का डिटेल मेंटेन रखना पड़ेगा सप्लायर को, एक सेलर को इनपुट आउटपुट का डिटेल मेंटेन रखना पड़ेगा और अगर उसके यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो उसको जीएसटी का रेट का भी झमेला मेंटेन करना पड़ेगा, एक नंबर बात। दो नंबर बात हम लोग ये भी पढ़े कि मंथली मंथली डिटेल जमा करो, ये दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक बात है एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए, छोटा मोटा बिजनेसमैन के लिए ये दोनों ही बात एक प्रॉब्लमेटिक बात है। गवर्नमेंट इसका एक सॉल्यूशन दिया, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम क्या होता है, बोला दो कंडीशन है, या तो आपका सेल 75 लाख से कम है या आपका सेल 1.5 करोड़ से कम। 75 लाख से कम इन इन स्टेट में त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, ये सब पढ़ के क्या समझ में आया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अगर तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा टर्नओवर 75 लाख से कम है, या फिर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अदर कोई जगह तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन, तुम्हारा आरसीएम नहीं है, आरसीएम का बात भी करेंगे। आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज क्या होता है, जनरली जीएसटी कौन जमा करता है, कौन काटता है, कौन जमा करता है सर, सेलर काटता है और सेलर जमा करता है। लेकिन आरसीएम एक रूल पढ़ेंगे आगे जाके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें बायर को जीएसटी जमा करने का ड्यूटी निभाना पड़ेगा। जनरली ड्यूटी जमा करने का जिम्मेदारी सेलर के ऊपर है, लेकिन यहां पर बायर को यह जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आरसीएम। कुछ प्रोडक्ट्स पे या कुछ सर्विस पे ये एप्लीकेबल है, पढ़ेंगे, आएगा अगले के अगले क्लास में टॉपिक आएगा। पर फिलहाल ये पढ़ रहे हैं तुम्हारे बिजनेस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हारा टर्नओवर या 75 लाख या 1.5 करोड़ के कम है, तुम कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना चाहते और तुम्हारा दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं। एक कंडीशन और है, तुम ऑनलाइन सेल नहीं करते। लेकिन ये ऑनलाइन सेल वाला में अभी रिसेंट एक रूल चेंज आया है, इसका बात लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या क्या रूल डिस्कस किए, किसको किसको कंपोजिट स्कीम देने मिलेगा सर, या तो टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ से कम है, सर्टेन स्टेट में 75 लाख, बाकी सब स्टेट में 1.5 करोड़। नंबर दो, तुम्हारे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, मतलब यहाँ बायर को जीएसटी जमा देने का ड्यूटी नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट का काम करते हो या ऐसा सर्विस का काम करते हो, तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे, तुम्हारा दूसरे स्टेट में सेल नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है,
नहीं बेचते हो, सॉरी एक मिनट नहीं कुछ नहीं, एक मिनट, तुम्हारे आरसीएम नहीं है, तुम्हारे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, हाँ तुम्हारा ई कॉमर्स नहीं है सर, तुम ऑनलाइन सेल नहीं करते हो, और ये कंपोजिट स्कीम सर्विस वालों के लिए नहीं है, सिर्फ गुड्स वालों के, तो तुम सर्विस नहीं बेचते हो, तुम्हारे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे, तुम्हारा दूसरा स्टेट में सेल नहीं है, और तुम्हारा ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस होता है। ये सारा पॉइंट अगर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो तुम कंपोजिट स्कीम में जा सकते हो। पहला बात तो ये क्लियर हुआ कंपोजिट स्कीम में कौन कौन जा सकते हैं, करो मेरे साथ एक बार रिपीट। सर टर्नओवर का लिमिट देखना पड़ेगा, 75 लाख या 1.5 करोड़, अगर उससे नीचे है तो आरसीएम में जाइए, कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं। आरसीएम नहीं है, दूसरे स्टेट में सेल नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे, और केवल सप्लाई का बिजनेस करते हो गुड्स का नहीं, सर्विस का बिजनेस करते हो गुड्स का नहीं, हाँ सॉरी सॉरी गुड्स का करते हो सर्विस का नहीं, गुड्स का करते हो सर्विस का नहीं, ठीक है। और सर ऑनलाइन में ही बेचते, ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं है मेरे। अब ये ई कॉमर्स वाला पॉइंट हट गया, नया चेंज है सर, हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा, आपके एग्जाम में ई कॉमर्स वाला बात एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये चेंज पिछला हफ्ता है, तो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, बट जानने लायक बात का मतलब सब ऑनलाइन में माल बेचे हम तो हम कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, विद इन द स्टेट, दूसरे स्टेट में ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं हटा है, आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई पे कंपोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो तुम विद इन द स्टेट माल बेचते हो, तुम सर्विस नहीं बेचते हो, तुम ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हो, पहले था नहीं बेचते हो, अब बेचते हो तो भी अलाउ कर देंगे, तुम्हारा टर्नओवर का लिमिट फिक्स है, तो ये सब इनपुट टैक्स क्रेडिट तुम क्लेम नहीं करो, मतलब तुम बोल ही रहे हो गवर्नमेंट को ये कि हम इतना डिटेल मेंटेन नहीं रह सकते, किससे कितना परचेज करके लाए, किससे कितना इनपुट जीएसटी है, ठीक है। तो ये सब केस में तुम कंपोजिट स्कीम क्या चीज नहीं लेगा, अभी आओगे इस बात के ऊपर क्यों लेगा, उसका मजेदार आंसर अभी मिलेगा, लेकिन ये स्कीम नहीं लेना चाहिए, ये डिसएडवांटेजेस है ये भी हम बताएंगे लास्ट, लेकिन एडवांटेज उन लोगों के लिए, बेटा देखो आपको लग रहा होगा सर हम 18% जीएसटी आउटपुट कलेक्ट करके लाए, वो पूरा पूरी गवर्नमेंट को जमा कर दे बिना इनपुट एडजस्ट किए, तो मेरा क्या फायदा, मैं 18% तो जीएसटी गवर्नमेंट को दे दी अपनी जेब से, फिर तो नहीं बेटा 18% देने का नियम नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपोजिट स्कीम में जाएंगे गवर्नमेंट उनको दो बेनिफिट दिया, एक मंथली नहीं हर 3 महीने में रिटर्न फाइल कर लो, मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर लो तो, और क्वार्टरली जीएसटी जमा करना, तो पहला बात तो मंथली मंथली का झमेला से बच जाओगे, इसलिए करोगे। अप्रैल मई जून में जितना सेल किया उनका डिटेल जुलाई के रिटर्न में फाइल करेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर जितना सेल किया उसका डिटेल अक्टूबर में जब रिटर्न फाइल करेगा तब करेगा। बेटा जी हर सेल बिल के ऊपर जीएसटी होता है ना, तो फिर इसमें इंटू 3 का बात क्यों आया, हम अप्रैल में जो माल बेचे हर बिल में, अप्रैल में हम 3 बिल रेज किए मान लो, 70,000 का, 31,000 का और 20,000 का, तो 70 पे 20 पे 30 पे हम जीएसटी लगाए तो लिए होंगे, पार्टी से लिए होंगे जीएसटी, वही तो जमा देने का बात है, लेकिन यहाँ हम जो गंदा बात बताने जाएंगे वो लास्ट में बताएंगे, तब आप बोलोगे सर कंपोजिट स्कीम में नहीं जाने में फायदा, लेकिन फिलहाल ये समझो तुम हर महीना जो माल बेच रहे हो उसका अगले महीने रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है, टैक्स जमा देने का जरूरत नहीं है, एक बार में क्वार्टरली क्वार्टर के एंड में जमा दो, अप्रैल में जून में माल बेचे
उसका जीएसटी पार्टी, इसका जीएसटी जमा करना है ना तुमको, वो तुम कब जमा करोगे? जुलाई में, जुलाई में डॉक्यूमेंटेशन करोगे रिटर्न फाइलिंग, मतलब जुलाई में जीएसटी आर वन भरोगे, जुलाई में जीएसटी आर थ्री भी भरोगे, फिर तुम जुलाई आगे सितंबर में माल बेचे तो अक्टूबर में रिटर्न फाइल करना, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में माल बेचे तो जनवरी में रिटर्न फाइल करना, और फिर जनवरी फरवरी मार्च में माल बेचे और फिर अगले साल अप्रैल में रिटर्न फाइल करना, मतलब साल में चार ही बार तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा देने का झमेला रहेगा, हर महीना महीना वो झमेला नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला बात तो ये बेनिफिट तुमको दिया, तुम बोले ना क्यों करेगा, तो पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट तुमको ये 5% 12% 8% 2.5% कुछ झमेला नहीं करना, तुम अगर मैन्युफैक्चरर हो तो सीधा सीधी 1% जीएसटी का जमा कर दो तुम्हारे हर सेल के ऊपर, और अगर तुम रेस्टोरेंट या कैटरिंग का बिजनेस करते हो तो 5%, या फिर अगर अदर कोई गुड्स का सप्लाई करते हो रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के तो 1%, मतलब मैन्युफैक्चरर और अदर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 1% और रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए सीधा 5%, मतलब तुमको 12, 18, 28 के झमेले में जाना ही नहीं पड़ेगा, 1% या 5% के कैटेगरी में आ जाओ, सर ये तो अच्छा बात है। लेकिन यह बहुत बड़ा नेगेटिव बात आप बोलने जा रहे, ये जो बेटा जो 1% या 5% जीएसटी जमा करना है ना आउटपुट, वो तुम अपनी जेब से करोगे, कस्टमर से नहीं वसूल कर सकते, मतलब ना तो इनपुट क्लेम करोगे और ना आउटपुट कस्टमर से कलेक्ट करके जमा करो, ये तुमको जमा अपनी जेब से ही कर, मतलब कस्टमर को अगर तुम 20,000 का सामान बेची हो ना तो उससे 20,000 ही लो, अब 20,000 पे मान लो 1% जीएसटी होता है, अगर तुम्हारा ये अदर गुड्स में आ रहे हो तुम, तो 20,000 का 1% कितना होगा, 200 रुपया, 200 रुपया तुम गवर्नमेंट को जमा करोगे अपनी जेब से, कस्टमर से नहीं ले सकते 20,200, जैसे नॉर्मल जीएसटी में ले रहे थे ना, 1,00,000 का बिल रेज किए और मान लो तुम्हारे पास 5% जीएसटी एप्लीकेबल है, 1,00,000 का 5,000 लेके टोटल 1,05,000 कस्टमर से लेते थे, 5,000 गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स की तरह दिखाते थे, 1,00,000 अपनी जेब में, यानी तुम्हारा बर्डन शिफ्ट हो जाता था या नहीं होगा, तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इनपुट का क्लेम मिलेगा नहीं, तो वो इनपुट भी तो तुम देकर तो आए हो अपने बायर को, अपने सप्लायर को तुम देकर आए हो इनपुट, तो उसका क्लेम भी भूल जाओ, मतलब तुम्हारी जेब से वो भी गया प्लस ये 1% भी गया, तो सर फायदा कंपोजिट स्कीम का दो, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन या डिटेलिंग मेंटेन नहीं करना, दो नंबर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना, क्वार्टरली जीएसटी जमा करना, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है सर, ये 1% या 5% जीएसटी जो आउटपुट पे बनता है वो हमको अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते, एंड नंबर टू सर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तो वो भी मेरी जेब से गया, वो भी हमको वापस नहीं मिलेगा, मतलब एडजस्टमेंट करने नहीं मिलेगा, तो दो बुराई है दो अच्छाई है, अब तुम अपने बिजनेस के हिसाब से जज कर लो, तुमको अगर अच्छा इजी लग रहा है ये, देखो बेटा एक बात समझना, तुम मान लो कस्टमर से 12% वाले रॉ मटेरियल पे सामान लेकर आते हो, और अब अगर 1% देना पड़े तो तुमको टोटल कितना जीएसटी देना पड़ा, 13% ना किरण अंकिता, लेकिन अगर यही तुम जो सेल करते हो गुड्स पे अगर मान लो 28% जीएसटी एप्लीकेबल है तो तुम बच गए ना, तुम्हारा फायदा है ना, तो यहाँ तुम्हारा बेनिफिट है तो ले लो, और अगर तुमको लगता है नहीं मेरे लिए कंपोजिट स्कीम में तो नुकसान है उल्टा, क्योंकि अब मान लो गुड्स रॉ मटेरियल जो लेके आ रहे हो उस पर 12% जीएसटी लगता है, अब ये 1% जीएसटी भी हम अपनी जेब से दिए, मेरी जेब से जा रहा है 13, और अगर हम इस माल को बेचे होते, इस माल को अगर हम नॉर्मल सेल में सेल किए होते और इस गुड्स पर मान लो अगर 12% ही जीएसटी है, तो ये 12 जो हम कस्टमर से वसूल किए वो मेरे इनपुट से एडजस्ट हो जाता है ना, तो मेरे को कोई जेब से देना नहीं पड़ता कुछ, तो ठीक है तब कंपोजिट में मत जाओ, नॉर्मल स्कीम में आ जाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात श्वेता आपको बता रहे हैं, किन लोगों को बता चुके थे, यहाँ पे कंडीशन है ना कि तुम ऑनलाइन माल नहीं बेच सकते अगर कंपोजिट स्कीम में जाना है, तो ई कॉमर्स के थ्रू माल नहीं बेच सकते, अब ये रूल हट जाए,
अभी रिसेंट पिछला हफ्ता अमेंडमेंट आया है कि ई कॉमर्स वाले भी कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, दूसरे स्टेट में माल नहीं बिकना चाहिए, वो कंडीशन नहीं हटे। तुम अगर दूसरे स्टेट में माल बेचते हो, सर्विस बेचते हो, तुम्हारे ऊपर RCM एप्लीकेबल है, तो तुम ये कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। ये बात क्रिस्टल क्लियर है एकदम। किरण एंड ऑल क्लियर है ये? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, यहां भी टर्नओवर का लिमिट है ना 75 लाख या 1.5 करोड़ कंपोजिट स्कीम में जाने के लिए। तो यहां भी टर्नओवर का मतलब क्या है बेटा जी? वही पीछे जो बताए थे, तुमको अपना टोटल सेल देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ वो मत देखो जो टैक्सेबल गुड्स है उसका सेल देख के मत देखो हम 1.5 करोड़ के नीचे है कि 75 लाख के नीचे है। तुम देखो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, सारा सप्लाई जोड़ के देख लो। अब अगर तुम 1.5 करोड़ के नीचे हो अदर स्टेट्स में, या इन पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में 75 लाख के नीचे हो, तो तुम कंपोजिट स्कीम ले सकते हो। ठीक है, ये था तुम्हारा कंपोजिट स्कीम का स्टोरी। कंपोजिट स्कीम में और कुछ काम का बात है? हाँ, पर्सन ऑप्टेड फॉर कंपोजिट स्कीम शेल फाइल रिटर्न क्वार्टरली, ये बात हम पहले बोल दिया, एंड मेक पेमेंट ऑन नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर के अगले महीने के 18 तारीख के अंदर वो जमा करेगा, मतलब क्वार्टरली ही उसको GST जमा करना है और क्वार्टरली ही उसको रिटर्न फाइलिंग करना। ठीक है, तो सर कंपोजिट स्कीम का एडवांटेज क्या है? तुम्हारा टैक्स रेट कम हो जा रहा है कुछ कुछ जगह। सिंपल फॉर्म है, तुमको डिटेल मेंटेन करना ही नहीं है, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट गवर्नमेंट को दिखाने का कोई दरकार नहीं है, चुपचाप आउटपुट पे 1% दे दो। कम रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कम कंप्लायंस करना पड़ेगा रूल का, और टैक्स भी क्वार्टरली देने मिलेगा, रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करने मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है सर? टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। देखा, वो आउटपुट टैक्स हम कस्टमर से वसूल करके नहीं दे सकते सर। कैन नॉट क्लेम ITC, इनपुट टैक्स भी जो दियो वो भूल जाओ, और GST का चेन टूट जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा नुकसान, GST का चेन टूट जाएगा तो तुम जिसको माल बेचे हो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी तो कोई इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। हाँ जी ना, हाँ, ये सबसे बड़ा नुकसान। अब लोग तुमसे माल नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे तुम तो GST का चेन ही तोड़ दे रहे हो, तुमसे माल लेगी तो हमारा भी नुकसान है, हम इनपुट क्लेम नहीं कर पा रहे आगे, हमको आउटपुट पूरा का पूरा जेब से देना पड़ रहा है, तो वो लोग तुम्हारा बिजनेस को भी नुकसान पहुंच जाएगा इससे। इसीलिए बोले थे कंपोजिट स्कीम उतना फायदेमंद नहीं है जितना दिखता है। कंपोजिट स्कीम में नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है, लेकिन है, अगर किसी को लेना है तो स्कीम तो अवेलेबल है। सर कंपोजिट स्कीम में जाने के लिए कोई गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा? पहले मान लो हम रेगुलर माल बेच रहे थे, हम रेगुलर सेल में थे, मंथली रिटर्न भी फाइल कर रहे थे, इनपुट आउटपुट का डिटेल भी मेंटेन करने का कोशिश कर रहे थे। अब मेरे से लग रहा है ये हो नहीं पा रहा, बाबा बहुत झमेला है। ठीक है, हमको 1% वाला तरीका मंजूर है, ठीक है, कन्वर्ट कर लो अपने आप को कंपोजिट स्कीम में अगर सारा रूल फॉलो कर रहे हो। रूल क्या क्या है सर? 1.5 करोड़ या 75 लाख का टर्नओवर, नो RCM, नो इंटरस्टेट सप्लाई, नो सेल ऑफ सर्विस, ठीक है ना? तो सर हमको एक GST फॉर्म है CMP 01, वो भरने से मेरा कंपोजिट स्कीम में कन्वर्जन हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। अब एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या उस पर GST एप्लीकेबल है? हम लोग FD करवाते हैं ना बैंक में, FD पे हमको ब्याज भी मिलता है, तो यहाँ पे बोला नो कलेक्शन ऑफ GST फ्रॉम रिसिपियंट ऑफ सप्लाईज, GST टू बी पेड आउटवर्ड सप्लाई बाय ओन पॉकेट, नो टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड गुड्स, इंटरेस्ट ऑन FD पे GST नहीं लगता। अब आओ आज के नए टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है सर? जो हम अपने सप्लायर को GST देकर आते हैं, गवर्नमेंट बोलता है तुम जो अपने कस्टमर से GST कलेक्ट करो उससे एडजस्टमेंट कर सकते हो, यही ITC, जो अपने पहले भी थ्योरेटिकली बात कर चुके हैं।
और आज जो हम वीडियो अपलोड किया था उसमें हम ITC पे पूरा बात की है। आज हम दोबारा जो वीडियो अपलोड किया वो मेरा पिछले क्लास का वीडियो नहीं था, पिछले क्लास वाला वीडियो हम अपने भाई के लैपटॉप से कराया था, वहाँ सेव ही नहीं हुआ। तो हम घर आया, अब जब कलकत्ता लौटा तो उसको दोबारा एक लैपटॉप खोल के शूट करके डाल दिया वीडियो, तो उस पर हम डिटेलिंग में बता दिया, बट यहाँ बात कर लेंगे थोड़ा सा। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट IGST किसके किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? इनपुट IGST के साथ, इनपुट CGST के साथ और इनपुट IGST के साथ। मतलब आउटपुट किसी, आउटपुट IGST अगर है वो किसी के साथ, किसी भी इनपुट के साथ एडजस्ट हो सकता है। आउटपुट CGST किसके किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? या तो इनपुट IGST या इनपुट CGST, मतलब खुद के साथ या IGST के साथ। वैसे आउटपुट IGST भी खुद के साथ या IGST के साथ, ठीक है। आज वाला वीडियो गो थ्रू कियो आप लोग, उसमें वो फिगर वाइज एग्जांपल दिया तो क्लियर है, तब फिर वो हम रिपीट नहीं कर रहे भाई, मतलब ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इम्पोर्ट इनपुट, अगर हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया के, इंडिया फॉरेन से इंडिया में, GST इज अलाउड टू टेक क्रेडिट। हमको, हम देखो इंडिया से माल खरीदा तो हमको GST तो देकर आना पड़ा होगा ना इनपुट का। अब उस माल को हम फॉरेन में बेच रहे हैं, एक मिनट, इम्पोर्ट का बात कर, हाँ ठीक, हम फॉरेन से खरीद के ला रहे हैं सॉरी, और अगर हमको उस पर कोई इनपुट GST, अगर इम्पोर्ट पे तो GST नहीं लगता, सॉरी इम्पोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, इम्पोर्ट पे GST लगता है, इनपुट GST हमको उसका भी क्रेडिट कर लेना अलाउ किया जाएगा। मतलब जब उसको हम इंडिया में माल बेचेंगे तो आउटपुट GST के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, नॉर्मल बात तो करना ही था। RCM इन, हाँ बोलो, बेटा हम इम्पोर्ट करके लाए, इंडिया में माल बेचेगा ना, फॉरेन में थोड़ी बेचने का बात कर, हम अमेरिका से इम्पोर्ट करके टी शर्ट लाया इंडिया में, इंडिया में बेचा तो उस पर तो आउटपुट IGST लगेगा ना, या आउटपुट CGST लगेगा, तो हम उसके साथ उस इनपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। RCM इनपुट इज ऑल्सो अलाउड, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है बेटा, इसका एग्जाम्पल समझना। RCM किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है सर? 17 सर्विसेज है जिनके ऊपर RCM एप्लीकेबल है, हम एक एग्जाम्पल देता है, केवल एक छोटा सा सर्विस का हम केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाँ RCM एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस जो एजेंट होता है, इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे और तुमको भी दे रहे, एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को भी तो सर्विस दे रहा है क्योंकि उसको इंश्योरेंस रिक्वायर है, और तुमको क्योंकि हेल्प कर रहा है परचेज करने में तो तुमको भी सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस एजेंट जो तुमको सर्विस देता है उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है, मतलब तुमसे वो कोई GST कलेक्ट नहीं करता, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी को जो सर्विस दे रहा है, यहाँ पे सर्विस का सेलर कौन है? एजेंट, एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, उसका इंश्योरेंस बिकवा रहा है, सेल एजेंट सेलर है, और अपना बेसिक कॉमन सेंस ऑफ GST क्या बोलता है? सेलर GST जमा करेगा। लेकिन बेटा इंडिया में गली गली में इंश्योरेंस एजेंट, हर एक नॉर्मल इंसान आज की डेट में इंश्योरेंस एजेंट बन के घूमता, क्योंकि आजकल ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये बहुत आसानी से एजेंट बनाने लग गई। वो पुराना जमाना नहीं है जब प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता था तब तुमको एजेंट का लाइसेंस मिलता था, आजकल तुम्हारा थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है तुम इंश्योरेंस कंपनी में जाके बात करो तुमको एजेंसी दे देगा। उनको इंश्योरेंस बिकने से मतलब है, उनको लगता है तुम साल का 2 इंश्योरेंस भी बेचेगा उनका कुछ तो फायदा हुआ, ठीक है तुम थोड़ा कमीशन ले लेना। तो बेटा ऐसे तो गली गली में एजेंट है, इंडिया में करोड़ों लोग इंश्योरेंस एजेंट है, क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है सबको ट्रैक कर पाना? क्या उन एजेंट्स के लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, 20 लाख 30 लाख 40 लाख के 20 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख का लिमिट है ना, 10 लाख 20 लाख, तो सर एक एजेंट 20 लाख का सर्विस कमीशन कहाँ से कमा लेता हो? इतना कमा लेता तो और कोई काम ही क्यों कर रहा हो, तो इंश्योरेंस एजेंट बन के घूमता। साल का 20 लाख मतलब 1 लाख रुपये महीना के ऊपर का पैकेज होगी, है ना,
तो सर गवर्नमेंट बोला कि देखो भैया इतना झमेला नहीं करने वाले, इंश्योरेंस एजेंट को कहाँ पकड़ते फिरेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी बायर है सर्विस का, वही जीएसटी जमा कर दो, एजेंट को जितना कमीशन देगा उस पर पहले ही काट ले और जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर दो टीडीएस की तरह, ठीक है ना। एक और मस्त एग्जांपल देते हैं, पढ़ेंगे बाद में, आरसीएम नेक्स्ट क्लास में आएगा डिटेल में, बट फिलहाल एक और मस्त एग्जांपल देते हैं। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रक ड्राइवर है, बहुत छोटे छोटे ट्रक कंपनीज है जो लोग माल को एक्सपोर्ट, माल को कहीं भेजने में हेल्प करती है। अब हमको कलकत्ता से दिल्ली माल भेजना है, हमें एक ट्रक ये ट्रक सर्विस वाले को नहीं को बोला, ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले को, और उसको बोला मेरा सामान पहुंचा दे दिल्ली। इतना छोटा छोटा ये ट्रक एजेंट होते हैं ना बेटा, ये लोग को कहाँ पकड़ते फिर हो। अब ये नॉर्मल जो एक आदमी तुम्हारे गली के बगल से छोटा सा ट्रक लेके जा रहा है, तुम उसको बोले मेरा 10 बोरा माल है, बड़ा बाजार पहुंचा देगा क्या? वो पहुंचा दिया और तुमसे भाड़ा ले लिया, अब वो कहाँ तुमको जीएसटी का बिल देगा और कहाँ जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग करेगा? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए। बेटा जो तुमको जो सर्विस दे रहा है, तुम कौन? जनरल पब्लिक, उसका बात हम कर ही नहीं रहे। ये छोटे छोटे ट्रक वाले कई बिजनेसमैन को भी तो सर्विस देते हैं, उनका माल पहुंचाने का काम करते हैं। मान लो मेरा एक छोटा सा दुकान है बड़ा बाजार में, मान लो हम क्या बोलते हैं ये ग्रेट ईस्टर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो है रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लोग है ना रिलायंस डिजिटल, ये सब का इनके दुकान में तुम जाके एक टीवी खरीदे और बोले ये टीवी घर पहुंचवा दो, या बड़ा बड़ा फ्रिज या वॉशिंग मशीन या एसी खरीदे, तो वो तुम्हारे घर पहुंचवा देगा। कई बार फ्री डिलीवरी होते हैं, तुमको तो फ्री डिलीवरी पड़ा लेकिन वो ग्रेट ईस्टर्न या उनको तो भाड़ा लगने वाला है ना। बोलो कोई एक लोकल ट्रक वाला को हायर किया, अगर उनका अपना कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है उनके पास, बोले ये माल पहुंचवा दो वहां पे, वो तो उसको कैश में पेमेंट कर देगा, और अगर चेक से भी पेमेंट करेगा तो कहाँ जीएसटी का कहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर उस ग्रेट ईस्टर्न को सर्विस बेच रहा है, ट्रक ड्राइवर अगर ग्रेट ईस्टर्न को सर्विस बेच रहा है, ट्रक ड्राइवर सेलर ऑफ सर्विस है, तो ट्रक ड्राइवर को जीएसटी जमा करना चाहिए। लेकिन सर उसको कहाँ गवर्नमेंट पकड़ेगा? तो गवर्नमेंट क्या बोला, ये जो कंपनी या जो बिजनेसमैन लोग, ये गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA बोलते हैं इसको, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इन लोगों से जो सर्विस ले रहे हैं तो ये बिजनेसमैन लोग ही जीएसटी काट के जमा कर ले पहले, RCM एप्लीकेबल, ठीक बात है ना। तो ये है तुम्हारा RCM का 2 बेस्ट एग्जांपल, बाकी सब सर्विस को डिटेल में बात करेंगे जब RCM पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी केवल इतना समझे सर हम कि RCM जनरली गुड जनरली टैक्स सेलर जमा करता है, RCM वो होता है जो बायर जमा करे, बायर पे बर्डन को टू डिपॉजिट, ठीक है। तो सर बायर जब जमा करेगा, ये जो ग्रेट ईस्टर्न है, ये जो GST जमा करेगा अपने पॉकेट से, एक तरीके से तो सर्विस परचेज किया है ना, उसका तो इनपुट GST बनता था ना, जो उसको देना चाहिए था उसको ट्रक ड्राइवर को, लेकिन वो जमा किया तो बाद में उसका इनपुट क्लेम कर ले, तो वो भी इनपुट क्लेम कर सकता है। लेकिन RCM में एक रूल है, पहले गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है, उसके बाद अगले महीने तुम उसका ITC क्लेम कर सकते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि जमा क्या देना है, तो खुद ही एडजस्ट हो गया। जमा देना है मान लो 1000 रुपये RCM के नाम पे, ठीक है, और मेरा इस बार का इनपुट पहले से खड़ा है मान लो 12000, तो हम 1000 जमा थोड़ी नहीं करता, नॉर्मल GST होता तो क्या करता, नॉर्मल हमको आउटपुट GST देना है गवर्नमेंट को 1000, और 12000 का मेरे पास इनपुट पहले से खड़ा है, क्या हम ये जमा करता कि एडजस्ट कर लेता? लेकिन RCM में ये नहीं चलेगा, पहले अगले इस महीने तुम गवर्नमेंट को जमा करो, फिर अगले महीने क्लेम करना, ठीक है। कॉम्पनसेशन सेस, ये एडजस्ट नहीं होगा किसी के साथ, सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस के साथ ही एडजस्ट होगा। कॉम्पनसेशन सेस कैन बी एडजस्टेड विद सेम हेड ओनली, मतलब
कॉम्पनसेशन सेस को तुम इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा आउटपुट कॉम्पनसेशन सेस है, तुम्हारा अगर कोई इनपुट कॉम्पनसेशन सेस है तो एडजस्ट कर लो, नहीं है तो चुपचाप आउटपुट जमा कर दो, इनपुट इनपुट कुछ है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। कंडीशन टू क्लेम आईटीसी, सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आईटीसी क्लेम कर पाएगा, ऑब्वियस बात है सर। एक प्रॉपर इनवॉइसिंग होना चाहिए, विदाउट बिल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तुमको गुड्स एक्चुअली में रिसीव हुआ तभी आईटीसी क्लेम करो, तुम्हारा सामने वाला पार्टी जीएसटी जमा कर दिया तभी तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। पुराना रूल में ये होता था बेटा मेरा वो जीएसटी जमा करे नहीं करे, हम अपना आईटीसी पूरा क्लेम खा जाता था, अब लेकिन गवर्नमेंट साफ मना कर दिया है, तुम्हारा सामने वाला पार्टी जीएसटी अगर जमा नहीं किया है और तुम इनपुट खा लिए तो तुम्हारे ऊपर उल्टा टैक्स लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। सर कैसे पता चलेगा सामने वाला जमा किया है कि नहीं, क्या हर एक सप्लायर से हम पूछे पहले जाके, जिस से हम सामान खरीद के लाए हैं क्या हम पहले उनसे पूछें कि मेरे नाम का जीएसटी वो लोग जमा कर दिया है कि नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है सर। मेरा 1 लाख, अगर हम 1 लाख पार्टी से माल खरीद के लाए हैं, क्या हम 1 लाख पार्टी को कॉल कर करके पूछें कि तुम मेरे नाम का जीएसटी जो काटे थे वो जमा कर दिए हो कि नहीं, तब तो हम इनपुट क्लेम करें, क्या ये पॉसिबल है? किरण मेरा इनपुट काट ली, किरण से हम 1 लाख का सामान खरीदा, मान लो उस पर 12% जीएसटी है, किरण 12,000 का जीएसटी काट ली, अब वही सामान हम श्वेता को आगे 1.5 लाख में बेचा, तो उस पर 12% जीएसटी है, 18,000 बनता है, हम क्या करता? ये 18 में पहले 12 को एडजस्ट करके बाकी 6,000 गवर्नमेंट को जमा कर देता, यही तो बेसिक फंडा है। तो अब क्या हम पहले किरण से पूछ के आए कि मैडम जी आप वो 12,000 जमा कर दिए हैं क्या, तब तो हम ये इनपुट एडजस्ट करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट बोला चिंता मत करो, टू बी नाम का एक फॉर्म जनरेट होता है ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे, 13 तारीख के बाद, तुम 10 तारीख को सबको रिटर्न फाइल कर दिए, 13 तारीख के बाद टू बी जनरेट होगा, जो जो पार्टी मेरे नाम से इनपुट जमा किया है गवर्नमेंट को, मेरे को उस लिस्ट में शो कर देगा कि कौन कौन सा पार्टी मेरे नाम पे इनपुट जमा किया है, हम वो क्लेम कर लेंगे, और जो पार्टी जमा नहीं किया है उनको पकड़ो, तुम बोलो अगला महीना जमा करे ताकि तुम अगला महीना क्लेम कर पाओ उसका इनपुट। तो तुमको पता कैसे चलेगा? तुमको पता चलने के लिए 7 तारीख है गवर्नमेंट, 13 तारीख के बाद 20 तारीख को 3B फाइल करना पड़ता है, तो 20 तारीख के पहले और 13 तारीख के बाद सबको 10 तारीख को रिटर्न फाइल कर दिया GSTR 1, सबको अपना सेल का डिटेल दिखा दिया, किरण भी तो दिखाई होगी, तो किरण जैसे ही वो 1,000 रुपये जमा 12,000 रुपये जमा की होगी GST का, तुरंत मेरे पोर्टल पे दिखा देगा 13 तारीख के बाद, जब हम GSTR 2B खोलेंगे कि तुम्हारे नाम पे यही है पार्टी GST जमा की है, उतना का इनपुट तुम क्लेम कर लो इस बार। अब कोई पार्टी जमा नहीं किया, तुम्हारे अकाउंट्स में दिख रहा है कि अरे किरण को 12,000 GST देकर आए थे, किरण जमा नहीं की, पोर्टल पे दिख नहीं रहा है 2B में, कोई बात नहीं, किरण को फ़ोन करो, किरण को बोलो भैया जी रिटर्न लगाइए टाइमली, अब लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, अगले महीने के रिटर्न में डाल दीजिएगा, हम क्लेम कर लेंगे। तो ऐसे चक्का चलता है, मतलब सीधा सीधी रूल क्या आ गया, GST पेड नहीं होगा तो आपको क्लेम भी नहीं करनी है, यानी बोथ पार्टी जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा, GST जमा नहीं करेगा तुम्हारा, तब तक उनको क्लेम करने का कोई चांस नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन पर्सन क्लेमिंग, कल को अगर हम कोई गलत इनपुट खा लिया है इसका प्रूफ करना मेरे ऊपर ही बर्डन होगा, डिपार्टमेंट प्रूफ नहीं करना पड़ेगा तुम गलत इनपुट खाए हो, डिपार्टमेंट तो सीधा सीधे तुमको नोटिस दे देगा कि आप गलत इनपुट क्लेम कर लिए, उसके बाद तुम जो हम जवाब देंगे, मतलब प्रूफ मेरे को करना है डिपार्टमेंट को नहीं। इफ रिसिपिएंट फेल टू पे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, हाँ हम किरण से माल खरीदा 180 दिन हो गया और अब तक हम किरण को पेमेंट नहीं किया है गुड्स का, 180 दिन हो गया और अभी तक हम किरण को वो GST का पैसा या गुड्स का पैसा पेमेंट नहीं किया है, और किरण इस बात का कंप्लेन कर दी डिपार्टमेंट में, तो जो इनपुट हम खाए थे वो रिवर्स हो जाए, हम किरण को माल बेचा तो हम किरण से माल खरीदा, किरण तो सेल का रिटर्न लगाती है ना GSTR 1 में, तो आराम से सुनना और समझना इस बात को, GSTR 1 का जब रिटर्न लगाएगी किरण वहाँ क्या दिखाती है,
किस किस पार्टी से पैसा मिल गया या किस किस पार्टी को माल बेची है, बोलो। वेरी गुड किरण, जब GSTR 1 फाइल करेगी 10 तारीख के अंदर हर महीना की, तो पोर्टल पे यही डिटेल भरेगी ना, इस बिल का नीरज को माल बेचे इतना GST नंबर है, इतना अमाउंट है, इस बिल का माल बेचे हम श्वेता को इतना GST नंबर है, इतना अमाउंट है। किरण सेल बिल का डिटेल भरेगी ना GSTR 1 के पोर्टल पे, तो कितना किससे पैसा मिल गया वो डिटेल थोड़ी ना भरती है वहाँ पे। पैसा तो सर एक दो महीना का उधारी पे चलता ही है, तो पैसा नहीं आया तो क्या सेल का डिटेल नहीं दिखाएं, सेल तो दिखाना पड़ेगा। किरण जैसे ही सेल का डिटेल दिखाई विद GST अमाउंट, मेरे पोर्टल पे शो करने लगेगा वो टूबी में, हम टूबी में दिखाते क्लेम कर लिए। अब 180 दिन हो गया पार, हम किरण को पेमेंट ही नहीं कर रहे, किरण परेशान, मेरे को नोटिस दे देंगे, अरे नीरज सर पेमेंट कीजिए, अरे नीरज सर पेमेंट कीजिए। नीरज सर के कान पे जू ही नहीं रेंग रहे, नीरज सर देख रहे हम तो इनपुट खाई लिए भाड़ में ये, किरण समझेगी जब समझना होगा तो। किरण क्या करेगी, GSTR पोर्टल पे ये डिटेल डाल देगी, वहाँ पे ऑप्शन है ग्रेवियंस बोल के, किरण सपोर्ट सर्विस में जाके ग्रेवियंस में जाके वो डिटेल डाल देगी। तुरंत GST डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस भेजेगा और वो जितना इनपुट हम किरण के नाम से खाए थे ना उसको मेरे बुक्स में नेगेटिव कर दे। अब हमको वो इनपुट अगर वापस खाना है किरण को पेमेंट करो, नहीं तो वो इनपुट जाएगा मेरे हाथ से, बाद में क्यों केस होगा वो गलत इनपुट खाने। तो सर इनपुट में हमको क्या क्या मेन रूल पड़े अब तक, सर पहला बात दोनों पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा बात प्रॉपर बिलिंग या प्रॉपर इन्वॉइस होना चाहिए तभी क्लेम करेंगे, तीसरा बात GST पेड होना चाहिए पार्टी की तरफ से, चौथा बात अगर पार्टी को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला है तो फिर वो केस, तो फिर वो रिवर्स करवा सकते हैं। गुड्स एक्चुअली में रिसीव होना चाहिए, यही सब मेन कंडीशन, ठीक है। हाँ एक बड़ा गजब बात है सर, अगर उस गुड्स पे आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो GST वैल्यू इंक्लूड, मान लो हम 1 लाख का एक मशीन लाया उस पे GST मान लो 18% है तो मशीन का कितना वैल्यू बन गया 1,18,000। अब हमको एक बात बताओ, बैलेंस शीट में जब हम एसेट दिखाएंगे एसेट साइड में तो हम 1,18,000 मशीन का वैल्यू दिखाएं कि 1,00,000 दिखाएं, बोलो। अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हम किरण से 1,00,000 का मशीन खरीद के लाए, 18,000 रुपये GST है क्योंकि 18% रेट वाला आइटम है वो, तो हम किरण को 1,18,000 पे करके गुड्स लेके आ गए। अब मेरे बुक्स में जब हम एसेट में दिखाएंगे ना मशीन बैलेंस शीट में तो 1,18,000 दिखाएंगे कि 1,00,000, नियम से 1,00,000। लेकिन सर आप 1,18,000 देख के अगर GST में भी डेप्री क्लेम कर लिए तो फिर आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, मतलब या तो ITC क्लेम करो या डेप्री क्लेम करो, तुम्हारा चॉइस है। इसीलिए लोग डेप्री 1,00,000 दिखाते हैं ताकि 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन ले। बेटा मशीन अकाउंट में अगर हम 1,18,000 लिख देगा आप जब डेप्री माइनस करेगा तो 1,18,000 पे डेप्री निकाल देगा ना फिर तो। हाँ तो डिपार्टमेंट साफ बोला, या तो डेप्री क्लेम करो या ITC, दोनों नहीं करने देंगे। कितना सोचते हैं लोग, ठीक है। लोग बहुत चालू बुद्धि कर लेते हैं ना बेटा, लोग इनपुट भी खा लेगा और 1,18,000 पे डेप्री निकाल के नेट प्रॉफिट भी कम कर लेगा, क्योंकि 18,000 का अगर 10% भी डेप्री तो 1,800 हो गया, तो 1,800 से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो एक भाई दूसरे भाई का दर्द समझेगा ना तो इनकम GST इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दर्द समझेगा, तो बोला वहाँ तो वहाँ क्लेम करो या तो यहाँ क्लेम कर लो। तो लोग भी चालू है, लोग बोलते हैं नहीं बाबा डेप्री क्यों क्लेम करें, डेप्री वैसे भी कितना फर्क पड़ जाएगा, 18,000 का पूरा GST छोड़ने के 1,800 का खाली डेप्री क्लेम करें, भाड़ में जाओ 18,000 का पूरा इनपुट क्लेम करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट दोनों बात लिख दिया, तुमको करना है तो कर लो। इफ फेल टू क्लेम ITC, हाँ अब एक बात मजेदार पूछना चाहते हैं,
एक बिल है, एक बिल है, हम श्वेता से सामान खरीद के लाए थे मान लो 50,000 का, उस पर मान लो 5% वाला GST है, तो 50,000 का 5% कितना हुआ 2500। ये GST हम क्लेम करना भूल ही गए, मतलब मेरे को याद ही नहीं आया इस बिल का, इस महीना भूले अगले महीने क्लेम कर लें, कर लो बिल्कुल सही बात कर लो सर, अगला महीना फिर भूल गए उसके अगला महीना क्लेम कर लें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, उस महीना भी भूल गए उसके अगला महीना क्लेम कर लें, बोलते जाओ। हाँ या ना में जवाब देना बेटा, उतना सोचना क्या, गलत ही थोड़ा होने, चलो ठीक है ये सर कर सकते हैं, चलो ठीक है सर, उस महीना फिर भूल गए उसके अगला महीना क्लेम कर लें, मतलब 4 महीना लगातार भूल गए पांचवा महीना में क्लेम कर लें, ठीक है सर 10 महीना लगातार भूल गए 11वां महीना में क्लेम कर लें सर, 2 साल से लगातार भूल गए 2 साल के बाद वाला महीना में क्लेम कर लें सर आप बैठ के हमारे साथ टाइम पास क्यों खेल रहे, ऐसे तो आप करते करते 200 साल तक पहुंच जाएंगे, दूसरा चंद्रयान पे जाने का टाइम हो जाएगा बेटा जी, आपको मन में ये आया होगा ना सर, कहीं तो जाके लिमिट होगा, आप भूलते गए क्या, मजाक हो रहा, डिपार्टमेंट बोलेगा भूल गए तो भूल ही जाओ हमेशा के लिए, इतना ही याददाश्त खराब है तो अब याद करके करोगे क्या, तो लिमिट है बेटा, मेरा ये अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, मान लो अप्रैल 2022 से मार्च 2023, तो इसके बाद वापस अक्टूबर आएगा ना, वहीं तक तुमको याद रखने का मौका देंगे, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का कोई एक बिल तुम अगले फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर तक क्लेम कर लो, याद कर लो, वो भी भूल गए अक्टूबर का जब रिटर्न लगा रहे हो, मतलब सितंबर का रिटर्न जो अक्टूबर में लगा रहे हो वहां तक नहीं याद आ रहा है तो फिर भूल ही जाओ, तुम्हारा याददाश्त बहुत ही गंदा है, फिर तो बादाम खाओ और इनपुट भूल जाओ। तो हम ये कहानी जानबूझ के किया क्योंकि इस पर क्वेश्चन दे देता है बोलो, तो सर कब तक हम सर आप भूले कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है तुम भूलो, तुम 6 महीना 8 महीना 10 महीने 11 महीना 12 महीना 15 महीना 16 महीना भूलो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर का कोई बिल है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर तक याद रख लो, सितंबर का रिटर्न जब अक्टूबर, मतलब सितंबर 2023 का रिटर्न जो हम 20 अक्टूबर के अंदर फाइल करेगा ना, हम उसी टाइम तक याद रख लें तो भूल, वहां तक भी याद नहीं आया तो वो बिल ओवर, अब उस बिल को मत याद करो, ठीक है। तो देखो यही लिखा, इफ फेल टू क्लेम ITC देन क्लेम इट लेटर ऑन टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20th अक्टूबर, मतलब वही सितंबर का जो रिटर्न फाइल करेंगे 20 अक्टूबर का, क्योंकि GST R 3B 20 तारीख तक फाइल करना होता है, तो वहां तक तुमको मौका है, ठीक है। आज का आखिरी टॉपिक पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट ऑन मंथली बेसिस पे होता है, अगर तुम्हारा मंथली वाला रिटर्न फाइलिंग है, मतलब तुम कंपोजिट स्कीम में नहीं हो, है ना, तब तुमको मंथली करना पड़ेगा ना हर चीज, तो बेटा जी तुम्हारे पास वही 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, मतलब अप्रैल का 20 मई तक, मई का 20 जून तक, मतलब 3B फाइल करो तब तक पेमेंट हो जाना चाहिए, और अगर तुम कंपोजिट स्कीम में हो तो क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने के 18 तारीख, मतलब तब 2 दिन कम दे रहे, तो तुम अगर कंपोजिट स्कीम में हो तो अप्रैल में जून खत्म हुआ तो जुलाई 18 के अंदर GST जमा हो जाना चाहिए अप्रैल में जून का, अब जुलाई आ गया सितंबर वाला क्वार्टर का, अक्टूबर 18 तारीख के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर का, जनवरी 18 के अंदर, और जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर का, और मंथली है तो अगला महीना का 20 तारीख। पेमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, हाँ अगर 10,000 के नीचे का GST है तो तुम GST डिपार्टमेंट में काउंटर पे जाके भी दे सकते हो, जैसे बैंक के काउंटर पे जाते हो वैसे GST डिपार्टमेंट के काउंटर पे जा सकते हो, लेकिन आजकल कोई जाता नहीं है बेटा, ऑनलाइन ज़्यादा ईजी है,
और 10,000 के ऊपर का जीएसटी आपको ऑनलाइन देना ही, ठीक है। और एक बात, यहाँ ऑनलाइन मोड में सारा मोड अवेलेबल है। देखो तुम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो, चेक वेक दे सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो, या अदर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है, यूपीआई वगैरह, तो वहाँ से भी कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन में तुमको जो तरीका पसंद है वो यूज कर लेना। और ये लोग ट्राई किया है बेटा कि जितना बैंक इंडिया में नेट बैंकिंग में सब बैंक को कनेक्ट किया है, मतलब वो पोर्टल पे ना बैंक चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम लोग जीएसटी पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन, और हम बोलते हैं ना नेट बैंकिंग के थ्रू देंगे, कार्ड के थ्रू नहीं देंगे, तो वहाँ पे बोलता है कि तुमको कौन सा बैंक चूज करना है, तुम चूज कर लो, क्लिक करके उस बैंक के थ्रू पेमेंट करो, ठीक। आखिरी एक बात और बताना छोटा सा, वो भी आज ये पेज तक खत्म कर लेते हैं। फिर 3 पॉपुलर लेजर होता है जीएसटी के पोर्टल पे ना, 3 पॉपुलर लेजर मेंटेन होता है। चलो इसका बात कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्योंकि इसमें हमको ना आपको सॉफ्टवेयर खोल के भी दिखाना है 3 पॉपुलर लेजर वहाँ शो कैसे होते हैं। तो क्या होगा ना, ये नाम जिंदगी भर याद रह जाएंगे, वरना ये नाम हम भी जब थ्योरेटिकली पढ़ा था ना, मेरे को भी बड़ा अटपटा लगा था, मतलब क्या है ये, लेकिन जब रिटर्न फाइलिंग करना चालू किया तब समझ में आया, अच्छा ये 3 पॉपुलर लेजर का क्या बात करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।